अरशद साहब जंगलों निकल जाओ आज। हाँ क्या मसला है? किधर भाग रहे हैं? बचाओ यार। किधर भाग रहे हैं? किधर भी भाग रहे हो मालिक। किधर भाग रहे थे? किधर भाग रहे हो? आज हम वापस चलते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन, सर पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं आप। आपके बंदे बंदे भगवा रहे हैं। चले थे यहाँ से, वहीं पे पहुंच गए हम। नहीं कोई मसला नहीं है ना, माशाल्लाह। हसन साहब, दिस इज व्हाट इट इज। देखिए आए बैठे हैं दफ्तर में, आपने इंक्वायरी करनी है? जी बिल्कुल इंक्वायरी करनी है। कितों फाड़ के ले आंदा है? और मजे की बात के है कि आपके रेस्क्यूअर इनको वहां से निकलवाने और भगाने के लिए गए, गए हैं बाइक पे। अच्छा चले आए दफ्तर, बैठते हैं। बैठे आए जी, आप भी आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे हम शराबी बिल्ले पकड़े होते थे, आज मुझे अपने रेस्क्यूअर्स को पकड़ना पड़ रहा है। मर गए गरीब बंदे थे, पल्ले नहीं कख रहे। मदर शाह साहब DEO, ये इंक्वायरी उन्होंने आज कंडक्ट करनी थी। ही इज नॉट हेयर, लेकिन उनका जो है मुलजिम वो फरार हो गया था। उन्होंने फड़ के लेना पे सारी चंगी बिली एक्सरसाइज करा देती है। सर क्या हो रहा है, कहां जाएं? ये जो मामला हुआ है ये वाकई गलत मामला हुआ है। अच्छा साहब को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए, नहीं भागना नहीं चाहिए था। आपको भी इनके पीछे नहीं भागना चाहिए था। आप हमें कहते हैं, हम इनको ले आते हैं जहाँ से लेकर आपके था। तो बंदे उन्हें भगाने के लिए गए, हम उनको पकड़ के वापस लाए हैं। कि उन्होंने कहाँ जाना था? बाकी ये गलत हरकत हुई। हमें हमें थोड़ा सा इसका कामरान साहब सर क्या जिम्मेदारी है? कामरान ऐसे ही है यहाँ पर। क्या आप रोल प्ले कर रहे हैं? वो शिफ्ट इंचार्ज का रोल प्ले कर रहे हैं। तो शिफ्ट इंचार्ज तो है नहीं, जब एक बंदा एक चीज है नहीं, शिफ्ट इंचार्ज है नहीं, और वो बगैर किसी नोटिफिकेशन के शिफ्ट इंचार्ज का काम कर रहे हैं, तो आपका रेस्क्यूअर उसे ब्लैकमेल हो रहा है। वो भी एविडेंस दिखा दो। नहीं मैं सब जो आपने एविडेंस दिखाए हैं पहले, वो भी एविडेंस दिखा दो। मैंने पहले भी देखे हैं, अभी भी आप ठीक कह रहे हैं। आप हमें कामरान साहब की ब्लैकमेलिंग के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दो। सर देखें, मैं तो जितना कपड़ा उठाऊंगा मेरा अपना पेट है ये सर, ये मेरा इदारा है। मुझे याद है कि मैंने अपने घर में अलालत में अपने अजीजों को अल्लाह की मदद के साथ रेस्क्यू के हाथों हॉस्पिटल पहुंचते देखा है। मेरा अपना पेट नंगा हो रहा है, मैं क्या करूं? देखें जहां इतनी ज्यादा अच्छी चीजें हैं वहां कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। आखिरी बात जी, क्या रेस्क्यू 112 का कोई ऑफिसर अपने रेस्क्यूअर्स से अनड्यू फेवर्स ले सकता है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई फेवर नहीं। उनसे फाइनेंशियल मामलात में के लिए इस मद में आपने देने ही देने किसी ऐसी बाउंडिंग में उन्हें फेंक सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या एक रेस्क्यूअर की जिम्मेदारी उस बिल्डिंग की रिहैबिलिटेशन को देखे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट की। रेस्क्यूअर की तो नहीं है? रेस्क्यूअर अपने बच्चे पाले क्या करें? देखिए कि इदारे को पाले। जो पैसों वाला मामला है ना वो भी हमें पता चला है। हम इन्हीं पैसों के और भी जो गंदम वाला मामला है वो सब चीजें इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि सॉर्ट आउट करें। वो गांव भी दिखा दो यहाँ से गंदम पर। नहीं हमें पता है, हमें पता है कहाँ से परचेज की गई है। जैसे आप इंक्वायरी कर रहे हैं ना, हमने भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली है तो यहाँ पर आए हैं। अभी हमें उसको फर्दर सॉर्ट आउट करने दें, हम इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद अगर उस रिपोर्ट में आपको नजर आए कि रिपोर्ट गलत हुई है या कब तक आएगी, इसको टाइम लग जाएगा। मैं टाइम आपको नहीं, नहीं 6 महीने से कम ही लगेगा। वो वीडियो दिखाओ यार, इसमें बच्चों को मोटरसाइकिलों पे यहाँ पे लदा जा रहे हैं और इस तरह लग रहा है बादशाह सलामत के बच्चे जा रहे हैं। बादशाह सलामत के दिलाएं वो वीडियो देखिए। मैं तौलिए तक के पैसे उपले के तस्वीरें दिखाए, साहब का तौलिया भी आना है ना दफ्तर, पैसे भी रेस्क्यूअर्स ने देने हैं। साहब का गेस्ट आएगा उसके पैसे भी उन्होंने देने हैं। ये पूरी लिस्ट है आपके पास, चाय आनी है उसके पैसे भी। सुबह सुबह साहब ने आते ही हुक्म फरमाने चाय ले हो। ये पढ़ते जाइएगा, 640, 6000 कितना, 1340, ये लंबी लिस्ट है, 7800 कितना, इसमें तौलियों तक के चाय बिस्किट भी है सर। ये तौलिया 550 रुपए का, ये तौलिया है 20,500 कितने के,
जी। अच्छा इमरान साहब, कितने तौलिया? आप मुझे ये बताएं कि आप ये चाहते हैं कि इस मसले को हम सॉर्ट आउट करके जो भी गिल्टी है उसको सजा दें? यस। या एक हम इसकी हाइप क्रिएट करें? हाइप में किस, ये हाइप है? देखिए आपने आप चीजें बताई, मैंने आपकी चीजें सुनी, खुले दिल से सुनी। ये चीजें आपके नोटिस में थी? जी मेरे नोटिस में इसी बहुत सारी और चीजें भी हैं। वो क्या क्या? वो इंक्वायरी करने आया हूँ ना, मैं इनसे सवाल जवाब करूंगा, इनकी चीजें चेक करूंगा, मुझे पता चलेगा। एक हम रिपोर्ट एक्सपेक्टेडली कितने दिन में सही हो जाएगी? ये देखें, ये आपकी, हाँ जी ये देखिए, ये मैंने पहले भी, ये वो खुवातीन और बच्चे और बुजुर्ग हैं जिनको कोई सहारा नहीं मिलता, दही इलाकों से आपने उठा के उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, वो पानी दिया कैनिया भर के साहब दिल्ली पहुंचानी है। हाँ जी ये वीडियो देखिए। ये साहब की मोटरसाइकिल भी यहाँ पर, इन्हें कहते हैं बाप के मुलाजिम, प्यो दे नौकर जिहड़े हुंदे ने उन्हां नाल सलूक हुंदा। ये रेस्क्यूअर की इज्जत ये रह गई, बाकी कि उन्होंने सुबह शाम साहब की मोटरसाइकिल टायर के चक्के पूछने हैं, और वो चक्के नहीं पूछेंगे उनकी ऐसे तैसी हो जाएगी। आपने वैसे कभी करवाए ऐसे काम? नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। होना चाहिए? नहीं बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इसको ये दूसरे डॉक्टर साहब की सर की करोगे तो कितनी, फिर ऊपर से मजे की बात कि आप लोग बंदा तलाश कर रहे हैं कि किस बंदे ने वीडियोस बनाई हैं। आप चेक साहब से पूछे, ये गाड़ी की लाइट टूट गई, हाँ जी, ड्राइवर ने पानी है, ये पॉलिसी है? नहीं ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर ड्राइवर की, ड्राइवर डलवा रहे अगर नहीं डलवाएगा तो उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी सर। ठीक, बुलाए ड्राइवर को, उससे नहीं शहादत, डर रहे हैं लोग इनसे। आप अगर ये यहाँ पर इंक्वायरी छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ के लोगों का जीना आराम हो जाएगा, और मैं जिंदा रहा मैं दोबारा यहाँ आ जाऊंगा अल्लाह के फजल से। आप दोबारा क्या, दोबारा आए, कोई मसला नहीं, आप इंशाल्लाह ताला अच्छी यहां से बच्चे लेकर जा रही है जी। ये मैं वीडियो देख चुका हूँ जी, मैं देखिए, ये देखें ये बच्चे, ये पानी जा रहे हैं इनके घर साहब के। जी जी बिल्कुल, क्यों फिल्टर वाला खारा पानी आता होगा ना, मीठा पीना। इसको हम चेक, इसको हम चेक, अवेलेबल नहीं, बड़ा अफसर है। ये ले, ये बच्चे स्कूल से पहुंच गए, ये फिर स्कूल की बात खड़ी हुई गाड़ी, आगे दिखाता हूँ। ये ले बच्चे, ये वीडियोस मैंने देखे, आगे देखिए, ये वीडियोस हमारे, आगे देखिए, यही वो गाड़ी जिसकी लाइट टूटी थी, और बाल टोन देगी, आगे देखे, ये पानी जा रहा है जी यहाँ से भर के, ये ले पानी सारा भरा जा रहा है टैंकर से। ये रेस्क्यूअर ये इस काम पर मसरूफ है, आम आदमी को तो यही कहा जाएगा ना कि जी एम्बुलेंस इज नॉट अवेलेबल। देखिए जी जो भी इसका सर, ये क्या, ये जो भी इसमें गिल्टी है, ये अनाज की कुछ बोरियां नजर आ रही हैं, ये अनाज एम्बुलेंस में जाती है? नहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पीडीएस में है ना, मसरूफियात आपको दिखा दूं। ये ले अभी आपको बच्चे भी यहाँ जी, ये सारी वीडियोस देखिए, हाँ जी ये देखिए, मेरे पास सारी ये वीडियोस आई हैं तभी इंक्वायरी इनिशिएट। ये देखें, ये आपने देखी है, पांच बच्चे मोटरसाइकिल पर लद के, आपका मुलाजिम जो है जिसका काम यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, गालबन का टेक्नीशियन है, ठीक है, उसका रोजाना की ड्यूटी है कि आप चूंकि एम्बुलेंस नजर में आ गई है तो मेरे बाप मोटरसाइकिल से लेके गया, कर लेके आया कर जी, इसको सॉर्ट देख लेते हैं दफ्तर से। ये वीडियोस मैंने देखी हैं, इसी वीडियोस पे इंक्वायरी इनिशिएट हुई है तो हम यहाँ पर आए हैं, आप बेफिक्र रहें, रेस्क्यू में इससे पहले भी कभी कोई गलत काम नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट भी नहीं होगा। ये इंतजार कर रहे हैं इनका मफरूर मुल्जिम जो है जिस पर इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, वो यहाँ से भागा था, उसको पकड़ के इमानत के तौर पर अर्शद साहब को हसन साहब के हवाले कर दिए, अब वहीं ये मामला भी हसन साहब के हवाले है। अब अगर इसमें कुछ अच्छा होता है तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम इसको अप्रिशिएट करें, और अगर ये खूं खाते जाता है तो मैं हसन साहब के मुंह पर बैठ कर कह रहा हूं, भाई गेट रेडी, यू विल फेस इट, क्योंकि ये रेस्क्यू अगर गिरा तो फिर इसमें हसन साहब आपका भी हिस्सा होगा। ना ये रेस्क्यू पहले कभी गिरा है सर, ना ये नेक्स्ट गिरा है, हर इदारा गिरता है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला आप जैसे भाई हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको सॉर्ट आउट करेंगे और आपको बताएं आपकी इंक्वायरी का। नसीर मलिक मज़हर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हैं भेरा के, और यहाँ के जिम्मेदारियों को देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब ये क्या चल रहा है? ये 1122 की आज एक कंप्लेंट थी जो मिस यूजेज हो रहा है यहाँ उसका जी, जो एक पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट है सर, लोगों को सहूलत देने के लिए है, यहाँ के जो मकामी मुलाजमीन हैं वो सर, जैसा कि आपने ख़ुद जाके वहाँ देखा
वो सर उसकी उनकी गाड़ियाँ मिस यूज़ होती हैं, अपने बच्चों को उस पर स्कूल छोड़ते हैं, उसके अलावा सर वो अपने पानी घर भिजवाते हैं, अपने जाती इस्तेमाल में गाड़ी। अब्बा जी का मुलाजिम समझा हुआ अपने स्टाफ को और अपने स्टाफ अपने दफ्तर की व्हीकल्स को? जी सर, ऐसे ही समझे कि उन्होंने वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझी हुई है वो गाड़ियाँ और ऑफिस। जी उसके लिए आपने आज खुद मुशाहिदा भी किया है, यहाँ जो इंचार्ज थे अरशद साहब आपने उनसे बात की है। वो आगे क्यों थे मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई कि फरार होने की वजह। सर उनके आपके पास सॉलिड एविडेंस थे सर उनके, तो जब आपने उनको एविडेंस दिखाए उनकी एक इंक्वायरी जो इनिशिएट हुई थी वो उन इंक्वायरी ऑफिसर भी आए बैठे थे, तो आपने उनको भी सर विद एविडेंस जब दिखाया तो उसके पास भागने के अलावा चारा कोई नहीं था। पहले वो आपसे झूठ बोल रहा था, जब उसने देखा कि मैं फंस गया हूँ तो वो भाग गया। आपकी टीम ने और आपने हिम्मत की उसे पकड़ा। क्या हुआ था? क्या लगता है कि रेस्क्यू 1122 जैसा खूबसूरत महकमा ही डिजर्व करता था कि उसके ही मुलाजमीन इस किस्म के मैल फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बड़ा प्यारा महकमा। सर ये तो हम रोल मॉडल समझते हैं जी कि ये जितनी सर्विसेज देते हैं अवाम के लिए एक गनीमत है जी, हॉस्पिटल पहुँचने तक ये फर्स्ट एड देते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो मुझे तो आज बहुत शॉक्ड हूँ मैं सर कि ये उन्होंने ऐसे किया। आपने उनका थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ कि ये जो दरिंदे और काली भेड़ें चली फिर रही होती किसी महकमे में, दे आर नॉट द रियल फेस ऑफ द डिपार्टमेंट, ये उस डिपार्टमेंट का कचरा और काट का बाड़ होता है। वो चाहे कितने भी बड़े मनसब पर मौजूद क्यों ना हो, जैसे ये साहब थे, ये एक ताकतवर बड़े, ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भेरा का सबसे बड़ा अफसर था ये, लेकिन कतई तौर पर इसको रेस्क्यू 1122 का फेस मत समझिएगा, क्योंकि रेस्क्यू 1122 एक प्यारा महकमा है और मेरी ख्वाहिश ये है कि इस किस्म के जो सिस्टम को डीरेल करने वाले लोग होते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाना।